नमस्कार, मैं केशव बाला, डिजिटल फ्रेट कंप्यूटर डिवीजन का ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज हम फ्रेट ने टॉपिक लिखा है, ये भी टॉपिक फिशिंग टॉपिक से रिलेटेड है। जैसे पिछले टॉपिक आपने देखा कि सेलटेक्स क्या होता है, सेलटेक्स का यूज कैसे टैली में किया जाता है। आज हम जानेंगे स्टूडेंट वैट क्या है, वैट की हिस्ट्री क्या है, वैट किस सन में रिलीज किया गया, इंडिया में किसने लेके आया और वैट का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वैट क्या होता है। नंबर वन पॉइंट, हिस्ट्री ऑफ वैट। नंबर टू, विच कंट्री इंट्रोड्यूस वैट फर्स्ट। नंबर थर्ड, हाउ मेनी कंट्रीज एडॉप्ट वैट। नंबर फोर्थ, व्हेन वाज वैट फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन इंडिया। नंबर फाइव, हु इज द फादर ऑफ वैट इन इंडिया। नंबर सिक्स, वैट व्हाट इज द वैट। नंबर सेवन, वैट रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड। नंबर एट, VAT registration turnover limit. Number 9, types of cell slab rates of VAT. Number 10, some product under VAT. And number 11, example for purchase invoice, VAT and sell invoice. Number 11, VAT adjustment. And number 12, VAT return. So it's very important topic on VAT. So Chalisun is the first topic, द हिस्ट्री ऑफ वैट ऑन द स्क्रीन, यानी पहला टॉपिक आपके स्क्रीन पे। वैट, द वैल्यू एडेड टैक्स, वैट इज ए रिलेवेंटली न्यू टैक्स। इट वॉज डिजाइन बाई टू पीपल इंडिपेंडेंटली इन द अर्ली 20th सेंचुरी टू विलियम वॉन सीमोंस, ए द जर्मन बिजनेसमैन। द वैट वॉज द वे टू रिसॉल्व द कैस्केडिंग प्रॉब्लम that was across and implementing across the gross turnover taxes and sell taxes. चलिए सुन हिंदी में देखें VAT का इतिहास। मूल्य प्रतिवर्धित कर VAT एक अपेक्षाकृत नया कर है। इसे 20th सेंचुरी सदी की शुरुआत में स्वतंत्र रूप से दो भागों में द्वारा डिजाइन किया गया था। एक जर्मन व्यावसायिक विलियम वॉन सिमोंस के लिए वैट उन व्यापक समस्याओं को हल करने का एक तरीका है जो सकल टर्नओवर करों और बिक्री करों को लागू करने में उत्पन्न हुई थी। विच कंट्री इंट्रोड्यूस वैट फर्स्ट? नंबर वन, फ्रांस। द 1954 फ्रांस बिकम द फर्स्ट कंट्री टू अडॉप्ट द वैट ऑन लार्ज स्केल। It saved as the improvement on the earlier turnover tax by which watch product was taxes the repeatedly at every stage of production and distribution without relief for the taxes paid at previous stage. तो चलिए इसमें हिंदी में जाने इसके बारे में, किस देश ने सबसे पहले वैट पेश किया था? फ्रांस। 1954 में फ्रांस वैट को बड़े पैमाने पर अपनाने वाला पहला देश बना। यह पहले टर्नओवर टैक्स में सुधार के रूप में कार्य करता था जिसके द्वारा एक उत्पादक पर उत्पादन और वितरण के हर चरण में बार बार कर लगाया जाता था। पिछले चरणों में भुगतान किए गए करों के लिए राहत बिना। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंट्री एडॉप्ट वैट? मोर देन 117 कंट्रीज वर्ल्ड वाइड इंक्लूडिंग ऑल यूरोपियन कंट्रीज लेवी ए वैल्यूएटेड टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। एज द टुडे द मैप ऑफ शो यूई The member of states VAT rate vary across the country through the sum VAT, the
हार्मोनाइज बाय द यूरोपियन यूनियन? कितने देश वैट को अपनाते हैं? दुनिया भर में 170 से अधिक देश जिसमें सभी यूरोपियन देश शामिल हैं वस्तुओं और सेवा कर पर मूल्य प्रतिबंधित कर वैट लगाते हैं, जैसा कि आज का टैक्स मैप दिखाया जाता है। यूरोपीय संघ के सदस्य देशों की वैट दर अलग अलग देशों में अलग अलग है, हालांकि वे यूरोपीय संघ यूएई द्वारा कुछ हद तक सुसंगत है। वैट रेट ऑफ यूरोपियन मैप, ये है यूरोपियन मैप जहां जहां जिस कंट्री ने वैट को एडॉप्ट किया था। When was the first VAT introduced in India? 1st April 2005. VAT was introduced the value-added tax VAT into the Indian taxation, the system of 1st April 2005. The tax as exiting the general scale tax law were replaced with the value-added tax Act 2005 and associated VAT rules. हिंदी में, भारत में पहली बार वैट कब लागू किया गया था? 1 अप्रैल 2005। वैट को 1 अप्रैल 2005 में भारतीय कराधान प्रणाली में मूल्य प्रतिबंधित कर वैट पेश किया गया था। मौजूदा सामान्य बिक्री कर कानूनों को मूल्य प्रतिबंधित कर अधिनियम 2005 और संबंधित वैट नियमों से बदल दिया गया था। Who is the father of VAT in India? Mr. Bagachi has written extensively on public finance in the particular on tax policy. The tax administrator and Faisal the Federalism, his 1993 report on the consumption taxes in India, the which started the discussion about the introductions of value-added tax. VAT is state level. भारत में वैट के जनक कौन हैं? बागाची ने सार्वजनिक वित्त, विशेष रूप से कर नीति, कर प्रशासन और राजकोषीय संघवाद पर व्यापक रूप से लिखा है। भारत में उपभोग करों में सुधार पर उनकी 1993 की रिपोर्ट ने राज्य स्तर पर मूल प्रतिबंधित कर की शुरुआत के बारे में चर्चा शुरू की थी। Who's the VAT? And VAT क्या है? The VAT, value-added tax, is a common form of indirect levy on services and goods. It is paid to the government by the producer at every stage in the supply chain. VAT tax is applicable on goods sold within the particular state, which means that the buyer and seller need to be in the same states. हिंदी में जाने, VAT क्या है? VAT या मूल्य प्रतिबंधित कर सेवाएं वस्तुओं पर लगाया जाने वाला अप्रत्यक्ष कर एक सामान्य रूप है। यह आपूर्तिकर्ता श्रृंखला में हर स्तर पर उत्पादकों को द्वारा सरकार को भुगतान किया जाता है। वैट कर केवल एक विशेष राज्य के भीतर बेचे जाने वाला सामानों पर लागू होता है, जिसका अर्थ है कि खरीदार और विक्रेता को एक ही राज्य में होना चाहिए। वैट रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, इंपॉर्टेंट नंबर वन, ए copy of proof of identity of the sole producer, manager, partner, managing director, responsible person of the business, b like copy of passport, c voter identity card, d proof of bank account, e credit card, ration card, f driving license, etc. must be enclosed. हिंदी में जाने, आवश्यक दस्तावेज का वैट पंजीकरण। महत्वपूर्ण,
व्यवसाय के लिए एकमात्र मालिक, प्रबंधक, भागीदार, प्रबंधक, निर्देशक। नंबर टू, जिम्मेदार व्यक्ति की पहचान पहचान प्रमाण की प्रति, पासपोर्ट की कॉपी की तरह मतदाता पहचान पत्र, बैंक खाता का प्रमाण पत्र, क्रेडिट कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आदि संकलन होना चाहिए। वैट रजिस्ट्रेशन टर्नओवर लिमिट। एनी डीलर होल टोटल टर्नओवर्स ऑफ सेल ऑफ परचेज एक्सेडिंग द लिमिट ऑफ स्पेसिफाइड अंडर द एक्ट इज रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड अंडर वैट। द लिमिट ऑफ टोटल टर्नओवर ऑफ ₹5 lakh with taxable turnover limit of ₹10 lakh in the preceding year of the current year। हिंदी में वैट पंजीकरण टर्नओवर सीमा। कोई भी डीलर जिसकी बिक्री या खरीद का कुल कारोबार अधिनियम के तहत निश्चित सीमा से अधिक है तो उसे वैट के तहत पंजीकरण होना आवश्यक है। सीमा रुपए का कुल कारोबार रुपए के कर योग्य कारोबारों के साथ 5 लाख से लेकर 10 लाख पिछले वर्ष या करंट चालू वर्ष में हो। टाइप्स ऑफ स्लैब रेट ऑफ वैट 4% ऑल डोमेस्टिक्स आइटम, ऑल डोमेस्टिक्स मेडिसिन, ऑल एग्रीकल्चर आइटम्स एंड इंडस्ट्रियल आइटम 12.5%, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, लग्जरियस आइटम 1%, ऑल गोल्ड एंड सिल्वर्स 0%, ऑल क्लॉथ्स। सम प्रोडक्ट अंडर वैट द आइटम ऑफ 4%, 12.5% एंड 1%। ये है डिटेल्स जिसपे 4 से 12.5% और 1% वैट लगाए जाते थे। एग्जाम्पल्स क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। द गुड्स परचेज फ्रॉम खन्ना इलेक्ट्रॉनिक फॉलोइंग आइटम इंट्रा स्टेट। द सैमसंग मोबाइल 15 पीसेस एट द रेट 3400 विथ 4% वैट। द सैमसंग एसी फ्रिज एसी 14 पीसेस एट द रेट 24,000 विथ द 12.5% वैट। 20/4/2005 ऑल गुड्स सोल्ड टू अमेल इलेक्ट्रॉनिक इंट्रास्टेट विथ 25% प्रॉफिट। 30/4/2005 मेंटेन जर्नल एंट्री वैट एडजस्टमेंट एंड वैट रिटर्न बाय चेक। यानी खन्ना इलेक्ट्रॉनिक से आपको माल खरीदना है अपने राज्य के अंदर में, सैमसंग मोबाइल खरीदना है जिसकी कीमत है, जिसकी क्वांटिटी है 50 पीस और 1 पीस का दाम है 3,400, वैट जिस पे लगा हुआ 4%। सैमसंग एसी 40 पीस लेना है जिसका 1 पीस का दाम है 24,000 और उस पे वैट लगा हुआ है 12.5%। 20/5 को सभी आइटम को अमित इलेक्ट्रॉनिक को अपने राज्य में बेच दिया गया 20% लाभ पर। 30/4 को वैट की जनरल एंट्री बनानी है, उसका एडजस्टमेंट करना और टैक्स को जमा करना है। तो आपके स्क्रीन पर इसका एग्जाम्पल वैट कैलकुलेशन रिपोर्ट फॉर परचेज। यानी सैमसंग एसी मोबाइल जिसकी कीमत है, टोटल क्वांटिटी है 50 पीस और 1 पीस का दाम है 3400, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया गया, इसकी वैल्यू आ गई 1,70,000 रुपये। सैमसंग एसी 40 पीस है, 1 पीस का दाम है 24,000, इसको मल्टीप्लाई करने पे टोटल वैल्यू है 9,60,000। तो सैमसंग मोबाइल जो टोटल वैल्यू यानी इसमें 4% 1,70,000 का 4% निकाला गया, इसमें 4% वैट चार्ज किया गया है, तो वैट की चार्ज आ गई है 1,70,000 पर 6,800 रुपए। उसी तरीके से आपका सैमसंग टोटल एसी 9,60,000 का, उसमें 12.5% टैक्स निकाला गया जिसकी कीमत वैट का जो टैक्स लगा उसमें 1,20,000 रुपए। तो टोटल जो बिल आपको जोड़ा जाएगा 1,70,000 प्लस 6,800 वैट का, फिर जो एसी का दाम है 9,60,000 उस पर वैट लगा हुआ 1,20,000, तो टोटल वैल्यू जो आ जाएगा 12,56,800 का बिल बनेगा। तो ये इनवॉइस बिल आपके स्क्रीन पर, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट परचेज इनवॉइस बिल है जो सैमसंग मोबाइल की 1,60,000 का, ये बिल है सैमसंग एसी 9,60,000 का है जिसपे इनपुट वैट 4% लगा हुआ है 6,800 का और इनपुट वैट 12.5% लगा हुआ है 1,20,000 का। तो टोटल खन्ना इलेक्ट्रॉनिक से बिल की इनवॉइस आपको पड़ी है 12,56,800 का।
इसका नरेशन आपके स्क्रीन पे गुड्स बिंग गुड्स परचेज फ्रॉम खन्ना इलेक्ट्रॉनिक फॉर फॉलोइंग आइटम ये डिटेल डाल लेंगे। अब इसी आइटम को आपको बेचा जा रहा है, बेचा कितना जा रहा है, जैसे इसमें लिखा है कि ऑल गुड्स सोल्ड टू इलेक्ट्रॉनिक यानी सभी माल को बेचा गया है और इंटरेस्टेड आपने राज्य में बेचा गया 20-25% लाभ रखना है आपको। तो इसका कैलकुलेशन आपके स्क्रीन पे स्टूडेंट जी, तो सेल कैलकुलेशन रिपोर्ट आपके स्क्रीन पर। सैमसंग मोबाइल है 170,000 का आपका खरीद पाता है, उससे 25% आपने प्रॉफिट निकाल दिया तो प्रॉफिट की वैल्यू आ गई 42,500 रुपए। तो उसी तरीके से सैमसंग एसी 9,60,000 का था, उससे 25% प्रॉफिट आपने निकाला, उसकी वैल्यू आ गई 2,40,000 रुपए। तो नीचे आपने देखा कि सैमसंग मोबाइल 1,70,000 प्लस उसमें जो प्रॉफिट है 42,500 को प्लस कर दिया तो टोटल सेल वैल्यू है विदाउट सेल वैल्यू 2,12,500 के पड़ा। और सैमसंग एसी 9,60,000 का कॉस्टिंग रेट था, उसमें प्रॉफिट आपने जोड़ दिया 2,40,000 रुपए, 12,00,000 रुपए का टोटल सेल हुआ है, जिसमें आपको कस्टमर से 4% उस पर टैक्स चार्ज लगाना है। तो 2,12,500 पे 4% वैट चार्ज करेंगे तो वैट आउटपुट चार्ज करेंगे 8,500 रुपए। उसी तरीके से सैमसंग एसी जो टोटल वैल्यू है 12,00,000 रुपए का, उसमें 12.5% वैट चार्ज करेंगे तो आउटपुट वैट उस पर आ जाएगा 1,50,000 रुपए। और सभी टैक्स को अगर जोड़ दिया जाए तो 2,12,500 प्लस वैट जो 4% कटा 8,500 और 12,00,000 प्लस 1,50,000 वैट टोटल जोड़ दिया जाए तो सेल वैल्यू हमारी पड़ जाएगी 15,71,000 रुपए का। तो ये इसका सेल इनवॉइस आपके स्क्रीन पे। तो वैट सेल इनवॉइस आपके स्क्रीन पे 20/5 को सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक डीआर टोटल 15,71,000 का डेबिट हो गया है जो कस्टमर से आपको चार्ज करना है। और उसकी जो टैक्सेबल प्रॉफिट वैल्यू हो जाएगी मोबाइल का दाम उसको पड़ेगा 2,12,500 रुपए का, और सैमसंग एसी जो पड़ेगा वो 12,00,000 का पड़ेगा, इसमें वैट चार्ज किया हुआ है 8,500 मोबाइल पे और फ्रिज पे जो एसी का दाम पड़ा हुआ है 1,50,000। ये है टोटल सेल इनवॉइस। नीचे नरेशन है गुड्स सोल्ड टू इलेक्ट्रॉनिक, सेम नरेशन भी आप डाल देंगे। अब इसका एडजस्टमेंट किया जाए, वैट एडजस्टमेंट आपको करना है सभी 30/4 को, यानी आउटपुट को डेबिट कर देना है, यानी आउटपुट वैट डेबिट जितना 8,500 आया है आउटपुट वैट डेबिट 12.5% 1,50,000 लिया इसको डेबिट कर दिया, जितना क्रेडिट में आया था यानी आपने जो खरीदते समय जो टैक्स आपने जमा किया था इनपुट वैट आपने जमा किया था 6,800 और इनपुट वैट 12.5% आपने 1,20,000 जमा किया था, तो जो डेबिट अमाउंट है उसमें क्रेडिट अमाउंट में घटा दिया तो जो वैट आपका रिपोर्ट बनेगा वो 31,700 रुपये बनेगा जो आपको सरकार को जमा करना है। लास्ट में वैट रिटर्न किया गया है उसकी एंट्री की गई है वैट टैक्स पेबल टू बैंक यानी 31,700 रुपए। आशा है आपको समझ में आएगा कि वैट क्या है और वैट का यूज कैसे करना चाहिए। तो हर वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है, वीडियो अच्छा लगता है तो अपने मित्र और दोस्तों को शेयर कीजिए और अगला वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए नमस्कार।